भगवान श्री राम की 22 फीट की अद्भुत रंगोली बनाकर छप्पन भोग लगाया। बरेली में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा कुष्ठ आश्रम मॉडल टाउन में भगवान श्री राम की 22 फीट की अद्भुत रंगोली बनाकर छप्पन भोग लगाकर आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक कैंट संजीव अग्रवाल द्वारा जय श्री राम के जय घोष की गई और पूरा वातावरण श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। ये प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा आयोजित ये जो एक ऐतिहासिक पौराणिक महत्व का अयोध्या धाम में भगवान राम की वापसी उनका प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, उसके उपलक्ष्य में पूरे विश्व में पूरा विश्व राममय हो रहा है और बरेली भी अयोध्या धाम और रामदूत सड़कों पे निकल पड़े हैं। हर घर, हर दुकान, हर व्यक्ति राममय है और उसी के संदर्भ में, उसी के उपलक्ष्य में आज ये कुष्ठ आश्रम पे ये बच्चों ने बहुत सुंदर जय श्री राम के उद्घोष के साथ मंदिर को दिखाते हुए ये बहुत सुंदर रंगोली बनाई है और यहाँ पर छप्पन भोग का लगाया जा रहा है। सबको प्रसादी मिलेगी और निश्चित रूप से ये पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा पल है और सब जगह राम दूत राम दीपक जलाएंगे और दीपोत्सव के साथ भव्य राम दिवाली बनाने का काम करेंगे और हर घर अयोध्या होगा, हर बरेली अयोध्या होगा, पूरा देश अयोध्या होगा और अयोध्या धाम की तरह हम सब लोग राम भगवान श्री राम के आगमन का स्वागत करेंगे। सुदेश अग्रवाल, महामंत्री प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो अयोध्या में आयोजित है उसी के निमित्त हमारा व्यापार मंडल पिछले 3 दिन से लगातार कार्यक्रम आयोजित करके बरेली के लोगों को ये प्रेरणा दे रहे हैं, जनसंपर्क हम कर रहे हैं कि 22 जनवरी को हम लोग जो कार्यक्रम यहाँ पर करें ऐतिहासिक कार्यक्रम हो। इसी क्रम में हमने परसों कार रैली निकाली थी, कल हमने तिलकंठा कॉलेज से रामदूत यात्रा निकाली थी, आज हमने यहाँ कुष्ठ आश्रम में एक 22 फीट की जो है हमने यहाँ श्री राम की रंगोली बनाई और उसमें 56 भोग लगाकर जो है भगवान को भोग लगाया है और आज हमने पुनः आग्रह किया है कि 22 जनवरी को सभी लोग बरेली को इस प्रकार सजा दें कि बरेली अयोध्या जैसी नजर आए, क्योंकि 500 वर्षों के एक लंबे इंतजार के बाद 22 जनवरी को जो है रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, बरेली भी अयोध्या बने। 22 जनवरी को हम लोग व्यापार पुलिस चौकी के सामने भसीन कैमिस के वहाँ पर बहुत बड़ा पंडाल लगाकर 22 तारीख को 12 से 2 बजे तक लाइव प्रसारण दिखाएंगे और 12 बजे से लेकर लगातार 7 बजे तक प्रसाद वितरण, भोजन वितरण होगा, हलवा भी बढ़ेगा, जलेबी बढ़ेगी, बूंदी बढ़ेगी और मेरा सभी से आह्वान है 22 तारीख को लोग अपनी क्षमता के अनुसार जगह जगह पर भंडारे करें, भोजन वितरित करें, कब वस्त्र वितरित करें और शाम को राम दीपक जलाकर दीपोत्सव कार्यक्रम मनाएं। जय हिंद, जय श्री राम।